तो मैं दिल पे नहीं लेता लेकिन एक अनड्यू प्रेशर तो रहता है कि अरे यार मैं नौकरी को छोड़ के आया हूँ बोल के आया हूँ कि आयस बनेंगे तो यार आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं लोगों की लोग फिर आप पे टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं तो एक प्रेशर तो मेरे पे था तो पहला अटैम्प्ट नहीं हुआ तो थोड़ा परेशानी तो हुई थी लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगा कि शायद मेरा इन्वायरमेंट बहुत प्यारा था मेरे दोस्त बहुत प्यारे थे इनफैक्ट मैं उस दोस्त का नाम लेना चाहूँगा सीमा यादव तो कंसिस्टेंट रहिए पहले लक्ष्मीकांत को अगर आपने कमिट कर दिया है अभी लक्ष्मीकांत आपकी गर्लफ्रेंड है अगर आप लड़की हैं अगर आप लड़की हैं सॉरी टू से दिस अगर आप लड़की हैं तो लक्ष्मीकांत आपका बॉयफ्रेंड है आप उसके साथ अपनी कंसिस्टेंसी दिखाइए हेलो एवरीवन वेलकम टू एवरी मेरे साथ हैं आदित्य सर जिनका फोर्टी रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है ये इनका थर्ड अटेम्प था और इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कॉपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे अच्छी खासी एम किया हुआ है आई आई टी रुड़की से सो इनकी जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है क्योंकि ये पहले जॉब करते रहे फिर इन्होंने जॉब छोड़ने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए और दो अटैम्प्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और ये फाइनली तीसरे अटैम्प में फोर्टी एट रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है सो आज हम इनके स्ट्रेटजी पूछेंगे क्या बुक लिस्ट फॉलो करी ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करें सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह बताइए मैंने जो टेंथ तक की जो मेरी शिक्षा हुई है स्पेशली एट्थ नाइन टेंथ वो मैंने केंद्रीय विद्यालय जामनगर गुजरात से किया है और उसके बाद मैं वापस पटना आ गया तो टेन प्लस टू की शिक्षा मेरी केंद्रीय विद्यालय कंकड़वागे ही पटना से हुई हाँ। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया वो कहते ना कि हर मिडिल क्लास बच्चे की एक चाहत होती है कि भाई इंजीनियरिंग इज द वे टू गो है हाँ, तो मैं उधर चला गया मैं भी और वहां जाने के बाद आई रियलाइज किया इधर नहीं आना था हाँ। ये 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 नहीं करना था तो मैंने फिर नहीं होता है कि मैंने सोचा कि क्या करूं मैं तो आई थॉट कि एम बी इज द वे टू गो मार्केटिंग मुझे पसंद था लोगों से मिलना जुलना तो आई क्वालिफाइड कैट और मैंने उस साल आई थिंक 2015 का कैट क्वालिफाई किया सोलह 18 में मैंने आई रुड़की से एम किया hmm. और सवा साल या सोलह अठारह महीने काम करने के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं अब अब हो गया अब चलते हैं अब अब वो करेंगे जो हमें करना है एंड देन आई टुक अ लीप ऑफ़ फेथ एंड आई प्लस इन द प्रिपरेशन फॉर यू राइट जैसे कि कहा जाता है कि बिहार में हर बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि कलेक्टर बनना है और जैसे कि आपके यहाँ भी आपका कजन मतलब मेरा भतीजा भतीजा जी सॉरी आपका वो आप बोल रहा है कि आई बनना है मुझे <laughs> तो ये पंद्रह आपके साथ दिया आप बनना है आई आ, नहीं ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि बचपन से ऐसा था क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ ना कि मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता का बहुत आभारी हूँ क्योंकि अब जैसे लोग तो आज मुझे एज़ अ टॉपर देख रहे हैं कि मैं रैंक फोर्टी एट हूँ लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं पर वो उस आ, वो कहते हैं ना कि उस पीछे की पीड़ा को नहीं जानते उस बलिदान को नहीं जानते जो मेरे माँ बाप ने दिया है अब आई थिंक मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ मेरे फादर आई थिंक सेवेंटीज में बलिया में एक छोटा सा गाँव पड़ता है लक्ष्मण छपरा वहाँ से वो कहते हैं ना एक बुर, बोरा बोरा लेके भाग के आए थे ये स्टार्टेड इज जर्नी इन अ बैंक बहुत ही लो लेवल वो कहते हैं ना कि प्यून से थोड़ा ऊपर वो लेवल था फाइल्स इधर उधर करना वहाँ से ये स्टार्टेड इनफैक्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की आई थिंक वो सेवेंथ एट्थ पास होंगे मेरी माँ शायद फिफ्थ पास है तो आई थिंक वो खुद

स्टार्ट कैसे हुआ जनरली uh, आपने कोचिंग वगैरह नहीं करी है सेल्फ स्टडी ली है और अगर आप चाहते तो इजीली कोचिंग ले सकते थे क्योंकि आपने भी पैसे कमाए होंगे जी जी जी, जी नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है आई वॉज वेल सेटल्ड मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी इनफैक्ट मैं बहुत ही अच्छे सिटी में प्लेस था आई बैंक में प्लेस था बहुत ही अच्छा रोल था कॉरपोरेट रोल था आई हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइफ वो कहते हैं ना कि ग्रेटेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ आई हैड विथ आई बैंक इन मुंबई बॉसेस बड़े प्यारे थे मेरे काम बहुत प्यारा था पर वो कहते हैं ना कि इफ इफ योर हार्ट इज नॉट देयर तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे इफ योर पैशन इज नॉट देयर आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो मैंने एक दिन मैंने कहा कि अब तो यूपीएससी की तैयारी करनी है दो माई डैड वॉज ऑलवेज एडमेंट की करना है तो आ जाओ छोड़ के पर मैं नहीं होता है कि मैं आई वॉज आई वॉज नॉट विलिंग इनफ टू टेक दैट लीफ ऑफ फेथ मुझे ऐसा लगता था होगा नहीं होगा बट अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि जब प्रभु का निर्देश आ जाता है ना आपको जाना पड़ता है ना अल्टीमेटली आई टूक दैट लीप ऑफ फेथ मैंने दोस्त को फोन किया मैंने बोला मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ फुल फ्लेजेड और उसने बोला कि तू आ बाकी मैं तुझे बता दूंगी कि मटेरियल क्या होगा तुम तो अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो मैं ये बताने के लिए तैयार हूँ फिलॉसफी का एक सेशन देख लिया और मैंने कहा फिलॉसफी लूंगा <laughs> तो फिलॉसफी आज ऑप्शनल ले लिया और बाकी चूंकि इंजीनियरिंग किया था तो वो कहते हैं ना कि आई हैड दैट इन मी जब मैं ना चाहते हुए इंजीनियरिंग खत्म कर सकता हूँ तो जो चीज़ें मुझे करनी है वो मैं क्यों नहीं कर सकता राइट right. तो वो चीजें हेल्प की ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे नतीजे संयोग नहीं होते दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं जी एस स्कोर एन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज Good career is a process, and mentoring at GSS Core is driven by primarily two objectives. One, राह पर हजार से भी ज्यादा निशान और ये वो हाईपेड है थोड़ा अभी इसकी दुर्दशा हो रखी है मैं इस पे पढ़ता था ये देखिए ये मेरे नोट है कुछ कुछ जो आप देख सकते हैं ये मैंने बताया ना न्याय जो मैंने पढ़ा था तो न्याय के मैंने ये नोट्स बना लिए अब सोचिए मैंने पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को यहाँ पे पढ़ के ख़त्म कर दिया है तो ये नोट्स काफ़ी हैंडी थे मेरे लिए इसका बड़ा योगदान रहा और इनफैक्ट जैसे मैंने बोल रहा था ना मॉडर्न इंडिया मैंने क्या बोला था कि मैंने बीस से पच्चीस पे जो मैं खत्म कर दिया है जैसे ये देखिए ये पूरा का पूरा सिविल अपराइजिंग है ये लोड होने में टाइम लग रहा है ये रहा देखिए ये पूरी की पूरी सिविल अपराइजिंग है मैंने पूरी की पूरी सिविल अपराइजिंग एक पूरे भारत के मानचित्र पर ख़त्म कर दी है अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो ये देखिए जैसे माओ मारी रिवोल्ट है पूरा का पूरा नाम के साथ अनिरुद्ध देव एन ऑल एवरी थिंग मिदनापुर इसके अलावा इसी तरीके से ये देखें जैसे रिलीजियस मूवमेंट तीन चार रिलीजियस मूवमेंट थे नरकलवीरिया था फराजी था पागलपंथी था मोपला अपराइजिंग थी नाइनटीन की ठीक है उसी तरीके से हमारे ट्राइबल मूवमेंट्स थे तो ये नोट्स काफ़ी हैंडी थे और आप देखिए मैंने पूरा का पूरा नोट्स ख़त्म किया है टाइमलाइन के साथ तो ये और जैसा मैंने कहा ना कि 30-40 पेज में ख़त्म हो जाता है तो ये तीस चालीस पेज में खत्म होता है ये नोट्स वैसे हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे बिल्कुल हाँ। ये चूंकि पेजेस के थे इसीलिए ये थोड़ा आपको छब्बीस के बाद दिख रहा होगा कि बढ़ गया है नहीं तो मैं काफी शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इसका बड़ा योगदान रहा क्योंकि अगर आप इससे नहीं करते हैं ना तो परेशानी होगी क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट्स अगर आप बना लेंगे तो आपका रिवीजन बड़ा फास्ट हो जाता है एंड दिस इंटायर यूपीएससी का जो बॉल गेम है ना जितना फास्ट आप रिवाइज करोगे उतना टाइम मिलेगा और जितना टाइम मिलेगा उतना आसान ये मेरा थोड़ा एक पर्सनल नहीं होता है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअली थोड़ा एक्टिव रहता हूँ तो ये चीज़ें हैं मैं रामचरित मानस सुनता रहता हूँ वहीं से मैंने सुना राम मेरे आराध्य हैं सीताराम जी मेरे आराध्य हैं तो मैं उनको सुनता रहता हूँ मैं हमेशा यही कहता हूँ अहंकार शून्य हो जाइए ये विवेकानंद का कोट है ये नहीं दिखाना चाहूंगा ये शायद मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ ठीक है कोई बात कोई नहीं, बात नहीं है जो चाहिए था वो मिल रहा है और मैं हमेशा कहता हूँ अपने विकल्प का ना कोई संक... अपने संकल्प का कोई विकल्प मत रखिए और वो लाइन यही से मैंने मतलब की इस उस चीज को मैंने पूरा करने के लिए यही गया था कि एक विचार लो सोचो जियो मस्तिष्क मांस पेशियों नसो शरीर उस विचार में खुद को डूब जाने दो और अगर डूब जाओगे तो पार तो हो ही जाओगे किनारे पे बैठ के क्या करोगे यार डूबना hmm. तो पड़ता है अब आते हैं थोड़ा हम मैप पार्क इसका बहुत ज्यादा काम तो नहीं था पर हाँ इसका मैं जरूर बताऊंगा जैसा मैं बता रहा था सुदर्शन का ये पूरा का पूरा मैंने मैप बनाया था जो कि माउंटेन्स को डील कर रहा है ये पूरा डैम जम जो है ये धोला है ये अन्नपूर्णा है ये मंसालू है ये शंकर है ये एवरेस्ट है ये मकानू है इसी तरीके से ये पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट के प्लेट्स होते हैं जिसमें गारो खासी जनती जो कि ये पेरेंसुलर प्लेटो का पार्ट होता है इसमें मैंने प्लेटो भी डील किया है बालाघाट है ये हरिश्चंद्र रेंजेस है ये हमारा पूरा का पूरा जो नर्मदा घाटी का जो रेंज है ना विंध्यन और सतमाला के बीच में जो बहता है वो है ये हमारा राजस्थान का अरावली है जो की यहाँ आई थिंक ये अहमदाबाद से स्टार्ट होकर के दिल्ली के हमारा जो प्रेसिडेंट है हमारे

इनको देखते ही ना आपके दिमाग में एक परसेंटेज वैल्यू भी बन जाता है और ये लास्ट पूरा का पूरा हमारा नेचुरल वेजिटेशन था जिसमें हम ट्रॉपिकल एवर ग्रीन ट्रॉपिकल एवर ग्रीन में हम जो डिफरेंट डिफरेंट जो आ, हमारा जो रेनफॉल होता है ना उसके बेसिस पे मैंने बनाया था ये पूरा का पूरा रीज़न जो हमारा मेजर रीज़न है ना जो हमारा यहाँ से पूरा का पूरा पंजाब का एरिया उत्तराखंड का एरिया यहाँ यूपी बिहार झारखंड इधर हमारा थोड़ा सा उड़ीसा का एरिया ये पूरा का पूरा हमारा डिक्कन प्लेटू में हमारे ये थॉर्नी एरिया आ जाते हैं क्योंकि इधर रेंशेडो रीजन आ जाता है ये आंध्र प्रदेश है इधर हमारा पूरा का पूरा केरला साउथ साउथ रीजन तो इससे क्या होता है ना कि आपको एक डिटेल चीज़ें मिल जाती हैं लास्ट कम्स द रिवर्स तो ये एक चार्ट पेपर मेरे लिए बहुत हैंडी था ये चूंकि मेरे पास आईपैड में भी था लेकिन यहाँ पे मैं अपने मन से ड्रॉ करता रहता था

तो ये चीजें जब आप ऐसे को रिलेट करते हो ना जैसे पेरियार और पंबा मैंने देखा तो मुझे तुरंत सबरीमाला याद आ गया लॉर्ड अयप्पा याद आ गए तो ये चीजें कभी हेल्प करती है वैगई सिविलाइजेशन में अभी बात कर रहा था तमिल तमिल संगम के पहले और हम इस वैगई को तो कहते हैं कि अब ये जिस समय हमारा यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन जिस समय राइज कर रहा था हंड्रेड वन थाउजेंड बी से करीब में उसी समय ये वैगई सिविलाइजेशन भीज कर रही थी तो आई थिंक इनका हेल्प तो मिलता है आई थिंक नो एफर्ट्स गोज टू वेस्ट एफर्ट ऑलवेज रीस यूर रिजल्ट तो ये चीजें हैं आई थिंक इनका बहुत फायदा मिला है मुझे और मैं आपको भी यही कहूंगा कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो मेहनत का तो फल मिलता है बस खुद के साथ चीट मत करिए थैंक यू ओके okay, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी थोड़ा सा अलग है आप जैसे कि धर्म वगैरह भगवान वगैरह में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो एज ऐसपरेंट ये ज़्यादा चीज़ें सही रहती हैं कि आप इन सब चीज़ों में भी उतनी ही एक्टिव रहो इन्वॉल्व रहो जैसे कि आप अभी आप जैसे हिंदू धर्म में जो चोटे रखते हैं वो भी आपने रख रखी जी 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 देखिए वो कहते हैं ना कि ये तो दिस इज समथिंग कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस तो मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ mm -hmm. पर मेरा मानना है कि शायद ये मेरे वो कहते हैं ना कि परवरिश का भी थोड़ा नतीजा है right. आ, हम वैष्णव परिवार से आते हाँ. हैं हमारे पिता राम भक्त हैं बचपन से mm -hmm. हनुमान जी की अगाध कृपा रही है उनमें अनन्य प्रेम रहा है हमारा हम भी राम भक्त हैं तो मेरा ऐसा मानना है ना कि राम जी की कृपा अनन्य जरूर रही है मेरे ऊपर क्योंकि ये पेपर तीन साल खींच गया मैंने सोचा नहीं था कि तीन साल मुझे लगेंगे पर वो कहते ना कि होनी को तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा हाँ। तो ये पेपर तीन साल लग गया तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं ये कहूँ कि इस रियलिस्ट वर्ल्ड में इस भौतिक दुनिया में अगर माँ बाप के बाद वो आधार जिसको मैंने पकड़े रखा वो मेरे रघुनाथ जी थे हाँ। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी टूटता था ना मुझे ऐसा लगता था कि मेरे प्रभु को चौदह साल का वनवास मिल गया वो भी कब जब रात में पिता कह रहे हैं कि राम आपको कल आपका राजा अभिषेक होगा और अगले पला उनको पता चलता है कि आपको जंगल जाना है तो मेरे प्रभु अगर इतना कष्ट झेल सकते हैं ऐसा बताया जाता है कि मेरी माँ सीता जो हमारी माता सीता है वो वानर के एक फोटो से भी डर जाती थी और उनको पूरा का पूरा डंडक आरण्य वन झेलना पड़ा उनमें इतने बड़े बड़े राक्षस इनफैक्ट उनका हरण तक हो गया तो जब मेरी माँ मेरी सीता जो मेरे आराध्य है जो भगवान होते हुए इतना कुछ झेल सकते हैं हमारे दर्शन में ऐसा माना जाता है कि हमारे प्रभु श्री राम जो है वो भगवान है इंसानी रूप में थे मैं उनको अपना आराध्य मानता हूँ भगवान मानता हूँ तो मेरा मानना है कि अगर वो भगवान होकर के मानव रूप में इतना झेल सकते हैं तो उनका एक संदेश बड़ा प्यारा था कि आप जब जब जीवन रूप में आओगे इस मर्थ लोक पे आओगे आपको परेशानियां तो मिलेंगी इनफैक्ट ये तो सार है ये तो इनफैक्ट बुद्धिज़्म भी कहता है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ दुख राइट right. पर दुख का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जीवन खत्म हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राम जी ने मेरी ये सहायता जरूर की है कि मैं कभी मेंटली फ्रस्ट्रेट हाँ, हुआ okay. तो मैं इनफैक्ट लोगों को भी यही कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप राम को आधार बनाए हाँ. अरे मेरे लिए राम मेरे आधार थे आपके माँ पिता हो सकते हैं जैसे एक टॉपर थे कनिष्क कटारिया सर वो कहते थे उनका उनकी गर्लफ्रेंड का बड़ा सपोर्ट रहा तो जरूरी नहीं है आप राम को पकड़ो आपके लिए वो काम आपकी गर्लफ्रेंड कर सकती है, पिता कर सकते है, दोस्त कर सकते है। और इनका कोई लेना देना नहीं है okay, बर्बाद हो जाते हो अरे लिटरली आप बर्बाद ही होते हो आप गुस्से में आप काम नहीं कर सकते हो लंबा खेलेंगे जैसा मैंने कहा मैराथन है आप नहीं चल पाओगे इसीलिए शांति से चलिए मजा ले है ये जीवन आ, आपका जैसे इंग्लिश मीडियम है फिलोसफी ऑप्शनल है आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी के लिए भी आप कुछ पढ़ते थे क्योंकि अभी जितनी बातचीत कर रहे हैं आपके एकदम शुद्ध हिंदी के वर्ड्स आ रहे हैं ये शायद कुछ हद तक तो मेरी परवरिश इस हिसाब से रही है मैंने जीवन का जो प्रारंभिक मेरा शिक्षा है ना जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री शिक्षा इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसके मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि मेरा मातृभाषा भोजपुरी है और चूंकि भोजपुरी में कोई किताबें होती नहीं है हाँ। कई कक्षाएं चलती नहीं है तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है पाँचवीं तक वो हिंदी मीडियम से हुई है बिहार बोर्ड से तो इस वजह से हिंदी पे एक पकड़ आ गई दूसरा मैंने संस्कृत एज अ सब्जेक्ट ऑप्शनल रखा था अपना नाइन टेंथ के दौरान ओके। तो हिंदी से ज्यादा मेरी संस्कृत पे पकड़ थी तो उस वजह से शायद मैं कहूंगा कि उस पर पकड़ आ गई उसके अलावा जितनी भी राम कथाएं मैंने जैसा कहा ना कि राम का बड़ा ही एक वो कहते हैं ना कि अभूतपूर्ण वो छाप है मेरे हृदय पे तो राम कथाएं हिंदी में होती हैं और इनमें एक बड़े प्यारे कथावाचक है राजन जी महाराज इनफैक्ट अभी एक बड़े प्यारे कथावाचक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाँ। थोड़े नहीं होता है थोड़े ज्यादा विवादों में भी कभी कभी रह जाते हैं मैं उन विवादों में तो नहीं पढ़ना चाहूंगा लेकिन उनकी भी भाषा बड़ी प्यारी होती है वो जब हिंदी में जब कथा कथा सुनाते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है वर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं ऐसे, ऐसे होते हैं मैं उनको सीखता रहता हूं तो ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से चली आई और उनको मैंने अपने जीवन में ग्रहण करके रखा इसका बड़ा फायदा मिला जैसे कि आपने बताया कि आपने एम बी ए किया हुआ से और आपको लगा नहीं था कि आपका तीन अटैम्प तक जाएगा है ना बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब ऐसे पहले से ही कभी लगा होगा ना मन में कि यार शायद यार मैं इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा यूपीएससी में

कहीं ना कहीं मन में था कि अगर नहीं होगा तो मैं चार अटेम्प्ट के लिए तैयार हूँ मेंटली मैं था लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि चार लगेंगे मैंने यही सोचा था कि मैं जाऊँगा पढ़ूंगा मैक्सिमम वन नहीं तो दो साल की जर्नी है दूसरे अटेम्प्ट में तो निकल जाऊंगा इसमें मैं एक बात कॉल करूंगा आपका वीडियो हेल्प किया मुझे आई थिंक अपाला मैम का वीडियो था अपाला मैम अपाला ने कहा कि मैं हो गई थी दो के बाद इवन सी द फेलियर वो दो फेलियर्स के बाद उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तू कर तेरा होगा इनफैक्ट आई रिकॉल दैट एनेट डोट ऑल्सो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ ने मुझे कुछ लिख के दिया था दैट यू विल गेट इन टू टॉप फिफ्टी लकली सी गॉट इन टू टॉप टेन ऑल्सो तो मेरा मानना है कि माँ बाप का साथ और आपका स्पेशली वो वीडियो एक जरूर पुछ था देखिए आपको मोटिवेशन वो कहते हैं ना कि मार्गदर्शन कहीं से भी मिल सकता है मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है और वो कहते ना कि कभी कभी प्रभु चाहते हैं आपके लिए करना तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा राइट सो अब सेल्फ स्टडी जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड ने गाइड किया सो so, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी आपने मतलब पहले साल की प्रीलिम्स दिया इस बार निकल जाना है जी जी देखिए पहले अटेम्प्ट में जब मैं आया था ना तो मेरे पास समय की थोड़ी कमी थी तो मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं मेन्स भी क्लियर कर लूंगा लेकिन एक उम्मीद थी कि मेरे को प्री तो कम से कम क्लियर कर लेना है और नहीं होता है थोड़ा प्रेशर भी था नौकरी छोड़ के आया था बॉसेस को बोल के आया था बॉसेस तो कह रहे थे कि तू पागल है क्या तू जा रहा है नौकरी छोड़ने अच्छे अच्छा अच्छे लोगों का नहीं होता है वो जो जो एक टर्म था ना अच्छे अच्छे लोगों का वो थोड़ा डिमीनिंग था लेकिन चूंकि वो कहते हैं ना कि मैं कभी भी चीज़ों को ना बाई हार्ट नहीं लेता हूँ यार दिल से इन सब बातों को मैं कहता हूँ यार छोड़ो जाने दो तो मैं दिल पे नहीं लेता लेकिन एक अंडियो प्रेशर तो रहता है कि अरे यार मैं नौकरी को छोड़ के आया हूँ बोल के आया हूँ कि यार आयिस्क बनेंगे <laughs> तो यार आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं लोगों की लोग फिर आप पे टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं तो एक प्रेशर तो मेरे पे था तो पहला अटैम्प्ट नहीं हुआ तो थोड़ा परेशानी तो हुई थी लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगा कि शायद मेरा इन्वायरमेंट बहुत प्यारा था <laughs> मेरे दोस्त बहुत प्यारे थे इनफैक्ट मैं उस दोस्त का नाम लेना चाहूँगा सीमा यादव वो दिल्ली में रह के थी उन्होंने डॉक्टरी की है इनफैक्ट सी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेंड्स आई हैव इसके अलावा मेरे एक दो दोस्त और भी थे एक शालिनी थी इनफैक्ट uh, मैं उससे परेशानियां तो नहीं शेयर करता था इनफैक्ट uh, वो uh, जिम जिम फ्रीक है सी इज़ वन ऑफ द फिटनेस फ्रीक्स बहुत मेहनत करती है तो मैं उसको फ़ोन करके तंग कर लिया करता था इसलिए नहीं कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ परेशान अलग वे में परेशान वो पढ़ रही होती थी मैं फ़ोन करके कहता था नीड टू टॉक तो वो चीज़ें क्या होती है ना कि समटाइम्स आपके जीवन में ना कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं आप अगर प्रसन्न हो जाते हो जिस काम को करके अगर वो एथिकल है और मोरल है और लीगल है अब ये नहीं कि आपको गलत काम करके मजा आ रहा है तो आप गलत काम कर आए ये नहीं करना है तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें आप मेंटल बैलेंस बनाए रखेंगे और माता पिता का सपोर्ट रहना चाहिए राइट अच्छा जब फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो जैसे कि हमने आपको कनेक्ट किया इस तरीके से क्या क्या रिएक्शंस आते हैं अरे कहना ही नहीं है मतलब मैं आपको बताता हूं उस दिन का इम्पैक्ट <laughs> मतलब एक तो मेरी तबीयत थोड़ी अभी तक खराब चल रही है वो तबीयत आई थिंक थोड़ा रिजल्ट के डर से भी हो गया था और लकली मैं कहूँ बाईस को मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी भी था मैं भगवान से बना रहा था प्रभु कुछ भी दे दीजिए <laughs> कुछ भी दे दीजिए पर दे दीजिए मेरा वो नहीं होता है क्योंकि उनके मेरा मानना था उनके लिए उनसे ज्यादा कुछ मैं नहीं दे सकता हूँ ये जीवन भी अगर मैं दे दू तो मैं कुछ नहीं करूंगा पर थोड़ा सा खुशी तो मैं उनको दे सकता हूँ मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत किया

नहीं नहीं देखे हैं पर चूंकि उनका कॉल आया था तो एक सेंस ऑफ रिलीफ भी था कि अरे यार कहीं आ गया क्या नाम आ गया लगता तो मैंने बोला कि नहीं अभी तक तो नहीं पता हमको हम देखे ही नहीं लिस्ट नहीं पता तो उन्होंने बोला कि अरे महाराज देखिए आपका दिखा रहा है अड़तालीस पे हैं आप नहीं। तो नहीं होता है, दिमाग ऐसे काम करता है ना क्योंकि मुझे याद था कि मेरे बैच में दो आदित्य पांडे थे जो इंटरव्यू दे रहे एक का नाम ए से आता है, चेक, है। तो मैंने चेक किया जैसे ही रोल नंबर चेक किया कन्फर्म हो गया कि हो गया धीरे धीरे लोग आने जाने लगे लोग जानने लगे उसके बाद तो कॉल्स का इतना ताता लगना शुरू हुआ कि मैं क्या बताऊँ मेरा पूरा ये गाँव जो है ना उठ के आया है उससे मिलने के लिए इनफैक्ट वो थोड़ा वो भी कारण रहा है कि मेरी तबीयत अभी तक खराब हो रही है क्योंकि ना तो मेरी नींद पूरी हो रही है हाँ। ना मैं चुप हो पा रहा हूँ हाँ बात ठीक है ना पर नहीं आप परेशान नहीं कर रहे अरे नहीं नहीं आप हाँ, बहुत टाइम लेके आए हाँ। इसलिए ओके राइट सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी कभी दे... अच्छी नौकरी में लग जाते हैं तो बिहार में या फिर यूपी में शादी तुरंत करवा दी जाती है जी या फिर अठारह बीस साल में ही करवाने लग जाते हैं अब तो आपका वैसे देखा जाए इतना बड़ा रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया है जी 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 मेरा ऐसा मानना है ना कि इस पर मैं कहूँगा कि कभी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व और स्वभाव से जाना जाना चाहिए ना कि उसके प्रभाव से इनफैक्ट मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से इनफैक्ट जो लोग शादी का प्रपोजल भी भेज रहे हैं ना सिर्फ हमें जबकि इस बार के जितने भी वो जो 933 सौ अभ्यर्थी हैं या वो लड़कियां हैं लड़के हैं अगर उनको शादी का प्रपोजल जा रहा है मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप शादी व्यक्ति के व्यक्तित्व से करते हैं इनफैक्ट व्यक्ति से करते हैं व्यक्ति के स्वभाव से करते हैं प्लीज़ शादी को प्रभाव से मत करिए शादी को नौकरी से मत करिए दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू क्योंकि आप व्यक्ति से शादी करते हैं शादी नौकरी से नहीं हो सकती हो सकता है कल नौकरी करने का मन ना करे तो क्या आप शादी तोड़ दोगे तो ये तो गलत चीज़ है ना तो मेरा मानना है कि शादी व्यक्तित्व से होनी चाहिए ना कि प्रभाव से स्वभाव से करिए एक मैंने रील देखी थी जी कि व्यक्तित्व स्वभाव या फिर हैंडसमनेस या फिर ब्यूटी कई काम करेगी जब तक पैसा नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल घर चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत तो पड़ेगी देखिए बात पैसे की जहाँ तक हो रही है ना अगर आपका स्वभाव अच्छा है अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है जैसे मेरी बात रही आ, मैं पहले भी आईआईटी रुड़की से पढ़ के अच्छी कमाई कर रहा था मेरे पास इतने रिश्ते क्यों नहीं आ रहे थे उस समय मेरा स्वभाव कहाँ गया था तो मेरा मानना है कि कमा तो मैं उस समय भी रहा था मेरी सैलरी बहुत थी हैंडसम सैलरी थी आई वॉज अर्निंग इन ऑलमोस्ट इन अ फाइव डिजिट फिगर अगर मैं ईयरली ईयरली सम की बात करूँ तो इट वॉज मोर देन सिक्स 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 डिजिट फिगर उस समय क्यों नहीं शादियां हो रही थी तो मैं इसीलिए अपने अपनी बात पे अभी भी अडिग रहूंगा कि शादी हमेशा व्यक्तित्व के स्वभाव से होनी चाहिए व्यक्ति के स्वभाव से होनी चाहिए प्रभाव से नहीं और अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है अगर आप प्रभावी व्यक्तित्व के हो पैसे से नहीं तो पैसा तो आ ही जाता।, जाता है ओके सो तो पिलिंग्स मेन्स की स्ट्रैटी बताइए ओवरऑल क्या स्ट्रैटी रही आपकी और क्या रिसोर्स फॉलो करे देखिए आपको ना आप प्रीलिम्स और मेंस साइलो में नहीं पढ़ सकते हैं आपको साथ में पढ़ना होता है आपको स्टैंडर्ड बुक्स उठाने होते हैं आपको ख़त्म करना होता है और सबसे बड़ी चीज़ आपको टाइम बाउंड करना होता है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है टाइम बाउंड नहीं है पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत उठाइए आपको खत्म करना है ये नहीं कि चार दिन लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद चलो यार हम तो घूम के आते हैं तो जो चार दिन पढ़ा है वो नील तो कंसिस्टेंट रहिए पहले लक्ष्मीकांत को अगर आपने कमिट कर दिया है अभी लक्ष्मीकांत आपकी गर्लफ्रेंड है अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं, सॉरी टू से दिस अगर आप लड़की हैं, तो लक्ष्मीकांत आपका बॉयफ्रेंड है hmm. आप उसके साथ अपनी कंसिस्टेंसी दिखाइए, आप अपना कमिटमेंट निभाइए उसको खत्म करिए उसको टाइम दीजिए खत्म हो जाता है फिर दूसरे पे जाएंगे फिर हिस्ट्री उठाइए फिर हिस्ट्री को कमिटेड टाइम में रखिए जैसे हिस्ट्री के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं इंसेंट के लिए आर एस शर्मा है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है आजकल तो सोर्सेज नेचर बहुत बदल रहे हैं तो आपको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाना पड़ेगा सिक्स टू एट आवर्स की स्टडी को सेवन टू नाइन करना पड़ेगा बट स्टिल आई वुड स्टे कंसिस्टेंट टू माई वर्ड्स कि आपको अभी भी मैं यही कहूँगा कि चौदह से सोलह घंटे की पढ़ाई आप मत करना पॉसिबल नहीं है नहीं पढ़ पाओगे उससे ज्यादा पढ़ाई होती भी नहीं है अगर कोई पढ़ रहा है दस घंटे बारह घंटे धोखा दे रहा है मैं सॉरी टू से दिस पर वो धोखा दे रहा है नोट्स वगैरह आपने कैसे बनाए मैं हैंड रिटन नोट्स मैं बहुत बनाता हूँ मैं इनफैक्ट अगर आप इन नोट्स दिखाना दिखाएंगे अभी वो हम वाले पार्ट में दिखा, दिखा देंगे चाहूंगा हाँ। तो मैं नोट्स uh, मैंने आई थिंक मेरे पास हैंड रिटन नोट्स कम थे मैं पैड यूजर था तो मैं डिजिटल थोड़ा इस वजह वजह से थोड़ा मेरा आँख भी खराब हुआ है नंबर्स बढ़ गए थे मेडिकल के दौरान उन्होंने बोला भी कि आपको तो चश्मा है आप चश्मा क्यों नहीं लगाते मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है तो इस इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीखते हो और बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप अनभिग गए हो तो ये सारी चीज़ें हैं तो नोट्स आपको खुद से बनानी पड़ती हैं जिसका आपका मदद तो जरूर मिलेगा और करंट अफेयर्स के भी मैं तो कहता हूँ करंट अफेयर्स पढ़िए और उसके नोट्स भी बना लीजिए mm. इतना लंबा लंबा टॉपिक्स पढ़ने का क्या जरूरत है उनमें से चार चीज़ें काम की होती हैं अगर पार्लियामेंट पढ़ना है तो पार्लियामेंट हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट संसद भवन प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट बट हीज अज इन इट इन इट A part of Parliament. पार्लेमेंट पार्लेमेंट। ही बिना उनके नहीं होता hmm. तो हम पार्लियामेंट की हर चीज रखने की जरूरत है आप प्रेसिडेंट पढ़ लिए लोकसभा पढ़ लिया आप राज्यसभा oh, पढ़िए हाँ। हाँ। आपके दिमाग में पूरा ऐसे वो कहते हैं एलगोरिम क्रिएट होना चाहिए hmm. अगर मैं पार्लियामेंट बोलू तो मेरे दिमाग में आना चाहिए प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के नीचे मेरे पास इलेक्शन का तरीका आ जाना चाहिए उनका सिलेक्शन का तरीका क्या है उनको हटाने का तरीका क्या है कैसा है उनके रिमूवल क्या होंगे उनके पावर्स क्या क्या है एग्जीक्यूटिव पावर पावर उनके पास पावर क्या क्या होते हैं मिलिट्री पावर क्या क्या होते हैं इससे करके टोटल सात पावर हैं उनके पास कुछ ऐसे पावर्स भी होते हैं जो जुडिशियरी पावर हैं जैसे वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल 142 के तहत तो वो पूछते हैं 143 के है तहत तो 142 साथ सुप्रीम कोर्ट के सॉरी टू मतलब कुछ चीजें भूल रहा होगा 142 143 तो आपको ये अगर मैप चार्ट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं आई एम प्रीटी श्योर आप पेपर क्लियर करेंगे ना का सवाल नहीं है Uh, जैसे कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपने बताया था उनको बोला था कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो तो आप भी मुझे बहुत अच्छे वक्ता लग रहे हो धन्यवाद <laughs> साथ आप uh, uh, को मुझे <laughs> लगता है इन फ्यूचर uh, नेता वगैरह के लिए भी <laughs> नहीं नहीं नहीं, नहीं। <laughs> नेता का काम हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सी, मैं दैट इज नॉट माई फोटे मैं एक जनसेव के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बढ़िया काम करूँ नेता भी तो जनसेवक ही होते हैं वो तो नहीं वो जन सेवक से ज्यादा जन प्रतिनिधि होते हैं मेरा मानना है अच्छा क्योंकि अगर वो जन बन जाएंगे

तो जो काम नेता का है वो जनप्रतिनिधि पे रहने दीजिए हम एक अच्छे जनसेवक बनना चाहेंगे और आई थिंक मैं वहाँ सबसे अच्छा काम करूँगा सो uh, so, अभी आपने क्या सोच रखा था कि uh, अगर आई बनते हो तो ये करोगे और ये चीज़ें करनी चाहिए मुझे अभी तो आई थिंक पहले मैं आराम करूँगा सो <laughs> so, कहते हैं ना कि तीन साल से सच बोलूँ तो मैंने आराम नहीं लिया है uh, आप बिलीव नहीं करेंगे इस रूम से सोलह सोलह सत्रह सत्रह दिन ऐसे हो गए हैं कि मैंने धूप नहीं देखा क्योंकि रात में पढ़ रहा हूँ पूरा दिन सोता था मैं शाम में उठता था पाँच छः बजे तब तक यहाँ संध्या हो चुकी है सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं वो सूर्य अस्त हो चुका है ये वाला सूर्य तो, मैं मैं मेरे दोस्त मुझे बोलते भी थे मतलब थोड़ा डांटते भी थे कि क्या तू तेरा वो एक बॉडी का वो कहते थे तेरा बॉडी रिदम बिगड़ जाएगा बीमार पड़ जाएगा जिसका थोड़ा इम्पैक्ट तो थो मुझे मिला है पर फिर भी मैं कहूँगा कि आई थिंक इट वॉज़ वर्थ इट इट वॉज़ वर्थ इट अगर आज मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया है तो आई थिंक थोड़ा कष्ट तो थो हम शरीर को दे ही सकते हैं राइट ओके सो फ्रेंड्स मैंने जो भैया का स्ट्रैटी और वो सब पढ़ाई पर डिटेल इस बार नहीं पूछा है जनरल चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन किया है क्योंकि मैंने इनके साथ एक और सेपरेट वीडियो बना ली है जिसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे उसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन uh, किया है सो आई थिंक रिपीटेशन हो जाता है सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर एसपैंट को जो तैयारी कर रहे हैं अभी सी यू हैव टू बी वेरी क्लियर मैं बस यही कहूँगा कि जीवन जीने के लिए है इसको बोझ मत बनाइए ठीक है ना अगर आप प्रेशर में आकर के इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंश्योर करिए कि उस प्रेशर को झेलने की क्षमता आपके अंदर है अगर क्षमता नहीं है आप बात करिए जिनका प्रेशर आ रहा है आप उनसे बात करिए इनफैक्ट मैं माँ बाप से भी यही कहना चाहूँगा कि मैं लकी था कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे कॉर्डियल थे पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरों के माँ बाप अच्छे नहीं हैं पर बहुत बार क्या होता है ना कि सामाजिक परिवेश ऐसा बना देता है कि हमें डी ही बनना है तो मेरा कहना है कि वो चीज़ें फ़ोर्सफुल नहीं होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चे की कोर कॉम्पिटेंसी कहा है कहा लाई करती है तो मैं यही कहूंगा कि जो अभ्यर्थी इसमें आना चाहते हैं तो मेरा बस एक ही मूल मंत्र है अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट है आप अपना हंड्रेड देने के लिए तैयार है आपका एक आधार है तो अपने संकल्प का विकल्प मत रखिए कोई प्लान भी मत रखिएगा मैं यही कहूंगा प्लान बी ना रखने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा जीवन यूपीएससी को देना है 80 साल का जीवन है यार अगर आप दो से चार साल दे रहे हो यूपीएससी भी आपको छः अटेम्प्ट देती है तो मेरा कहना है कि एक रोबस्ट सिस्टम जो हमारी केंद्र सरकारों ने इतनी सारी कमिटीज़ के साथ बैठ के बात किया है अगर उसमें बदलाव की ज़रूरत होगी तो बदलाव आएगा वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है तो जब हमारा सरकार इतना कर रहा है हमारे लिए तो मेरा लगता है कि ठीक है आप छः अटैम्प्ट मत दीजिए दो से तीन अटैम्प्ट डेडिकेटेड दीजिए मैंने भी दिया जब मैंने भी नौकरी छोड़ी थी अट्ठाईस की उम्र में मेरे पास चार अटैम्प्ट थे मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे चार लगेंगे कि तीन लगेंगे मैंने भी सोचा था एक दो में हो जाएगा पर मैं फिर भी मेंटली प्रिपेयर था कि मैं चार दूंगा नहीं होता मैं जीवन में कुछ और कर लेता पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन से हार जाऊँ मैं हताश हो जाऊँ क्योंकि जीवन बहुत 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 बड़ा है और वो कहते हैं ना कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के बस चलते रहना है जीवन तो चलती गाड़ी का नाम है ओके सो थैंक यू सो मच सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस को और डेफिनेटली uh, स्टूडेंट्स को भी काफ़ी जी जी मोटिवेट होने में सो आई होप फ्रेंड्स कि फाइनली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जय हिंद